हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ मिथिलेश एंड टुडे विल टॉक अबाउट कनेक्शन एंड हैंडलर्स इन पाइथन। सो गाइस, आज के मेरे इस चैनल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप किसी डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्पेसिफिक एक फाइल बना सकते हैं, काइंड ऑफ एक मॉड्यूल लिख सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी हो तो आप उसके लिए एक हैंडलर भी बना सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज यूटिलिटीज़। तो अगर आप यूटिलिटीज बनाना चाहते हो काइंड ऑफ, तो हम उसको हैंडलर भी बोल सकते हैं। सो आप एग्जैक्टली अगर एपीआई इसमें काम कर रहे हैं और आपको बहुत बड़े बड़े कोड्स लिखने पड़ जाते हैं किसी चीज़ को हैंडल करने के लिए, एंड हाउ एग्जैक्ट गाइज आर गोइंग टू बी वर्क ऑन इट टुडे, आई एम गोइंग टू बी शो ऑल ऑफ दिस थिंग्स गाइज। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड डू लाइक शेयर, ओके गाइज। सो गाइज, इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ, अगर आप लोगों ने मेरा इसका पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है देन आई हाईली रिकमेंड कि प्लीज़ वो वीडियो देख लो, क्योंकि ये वीडियो पूरा सीक्वेंस से चलता हुआ आ रहा है जहाँ से मैंने जेसन, मोंगोडीबी और अभी मैं जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ कनेक्शन, ये तीनों आपस में रिलेटेड है, ओके। सो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए देन इस वीडियो को आप प्रीफर करना, ओके। चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस, ओके। तो देखो, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम मोंगो के साथ कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं और मोंगो का हम क्लाइंट बना के उसमें डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। तो हमने बेसिकली उस दिन ये वाला राउट देखा था, ठीक है, जो बेसिकली हम उसके पिछले वीडियो में बात करूँ तो हमने वहाँ पे जेसन से डेटा लिया था और उसके हिसाब से हमने वैलिडेशन किया था, हमने फाइल्स को रीड किया था और उसके हिसाब से हमने देखा था कि हमारा यूज़र वैलिड है कि नहीं। बट मैंने इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मोंगो डीबी के साथ अगर आप देखो तो आप कैसे कर सकते हो। तो हमने डीबी के साथ अपना डेटा का रिलेशन बनाया, ठीक है। इन शॉर्ट, मैंने अपना मोंगो का यहाँ पे कनेक्शन बनाया, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा मोंगो कनेक्शन बन गया है। कनेक्शन बनने के बाद मैंने अपनी डीबी सेलेक्ट की और डीबी के यूज़र वाले कलेक्शन में जाके मैंने क्यूरी परफॉर्म की, ओके, सो दैट मुझे पता चल सके कि ये यूज़र स्पेसिफिकली है या नहीं है। अगर है तो वो मुझे सक्सेस का मैसेज देगा और बोलेगा यूज़र एग्जिस्ट। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इट सेज कि तुम्हारा ये यूज़र इनवैलिड है, ओके। तो ये हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था। बट अब आप मान के चलो ये जो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये यहाँ पे लिखने से आपका कोड इतना क्लीन नहीं दिखता है गाइस, ठीक है। ये थोड़ा सा ना मैसी हो जाता है कोड, अगर आपको इससे ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो ये बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें कभी हैंडल करना पड़ता है ना अपने APIs में, तो उसके लिए ना मैं स्पेसिफिक एक चीज़ आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, दैट इज़ नोन एज काइंड ऑफ हैंडलर्स बोल सकते हैं, या आप लोग चाहे तो उसको यूटिलिटीज़ बोल सकते हो, जहाँ पे आप स्पेसिफिक अपने कोड के साथ क्या मैनिपुलेशन करना चाहते हैं ना, आप पूरा का पूरा कोड वहाँ पे लिखो ताकि आपका पूरा कोड क्लीन दिखेगा इस, ठीक है। एंड हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू बी वर्क ऑन इट, आई विल टेल यू दैट एज वेल, ओके। सो देखो, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ हैंडलर क्या है। ये देखो, मैंने मेरा एक हैंडलर बना लिया है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे मैंने अपने हैंडलर की क्लास लिखी है जो बेसिकली सबसे पहले मेरा मोंगो का कनेक्शन क्रिएट करेगा। तो अब ये चीज़ भी मैंने क्यों की है, बिकॉज मैं मेरे app.py में इस चीज़ को भी अब यूज़ नहीं करना चाहता। मैं अब इसको भी कमेंट कर दूंगा और मैं मेरे इस क्लाइंट को भी कमेंट कर दूंगा, ठीक है, और मैं सिंपली अपने हैंडलर को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, हम चलते हैं हमारे हैंडलर पे। यहाँ पे जैसे ही मैंने मेरे हैंडलर को इंपोर्ट किया, ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करा लूँगा, और कॉल कराने से होगा क्या, यहाँ पे तुम देखो कि ये मेरे कलेक्शन में जाएगा, सॉरी ये मेरे कनेक्शन वाले मॉड्यूल में जाएगा। और मेरा कनेक्शन का मॉड्यूल कहाँ है, ये वाला मॉड्यूल है मेरा। अब हम इस कनेक्शन पे आ गए, तो अगर तुम देखोगे तो इस कनेक्शन का भी मैंने एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, अब मैं आपको स्टार्ट टू एंड बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने app.py में यहाँ पे मोंगो क्लाइंट लिया था और उसके थ्रू जो हमने हमारा क्लाइंट बनाया था, अब हमें ये हमारे app.py में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरे कनेक्शन का एक अलग से ही मॉड्यूल बनाना चाहता हूँ, एक अलग ही फाइल बनाई है मैंने। अब मैं इसके अंदर वो सारे ऑपरेशंस करना चाहता हूँ जो मैं मोंगो से हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैंने मेरे मोंगो के कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा है कि ये मेरा डीबी है, आपका जो भी स्पेसिफिक डीबी होगा वो लिख लेना। आपको अगर होस्ट है, कुछ URLs है, कुछ IPs हैं, देन यू गाइस कैन प्रोवाइड हियर, ओके। अगर आप लोगों का डायरेक्टली कनेक्शन है तो आप बनाओ, या फिर अभी मैं तो लोकल होस्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ अपना मोंगो का लोकल होस्ट यूज़ किया है। अगर आप लोगों को ये और डायनेमिक चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हो गाइस, और व्हाटएवर आपका जो भी यहाँ पे पैरामीटर होगा होस्ट का, आप यहाँ पे पास कर देना, ठीक है। तो आपका ये पूरा का पूरा डायनेमिक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी के लिए वो भी कर देता हूँ, सेल्फ डॉट होस्ट, ठीक है। तो हमने ये सेल्फ डॉट होस्ट यहाँ पे पास कर दिया और ये मेरे फॉर्मेटिंग के हिसाब से चल जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा क्लाइंट जो है वो बेसिकली यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने इसमें एक मेंबर फंक्शन लिखा है सेट डीबी। अब मैंने मेरा कनेक्शन तो बना लिया, अब मुझे इस डीबी के साथ अपना रिलेशन भी कनेक्ट करना है, राइट। बट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मेरे कंस्ट्रक्टर का मेन काम क्या है कि तुम मुझे सबसे पहले मेरा क्लाइंट बना के दो,
उसके बाद फर्दर मेरे को कभी ज़रूरत पड़ेगी डीबीज की तो आई कैन यूज़ दिस। ठीक है, तो गाइज देखो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें हार्ड कोडेड रखी है बिकॉज मैं सिर्फ और सिर्फ ये डेमो पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, आपके केस में चीज़ें अलग हो सकती है, आपका डीबी शायद किसी अलग अलग जगह से आ सकता है तो आप ये चीज़ प्रेफर नहीं कर पाओगे, बट अभी सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि मैंने ये सिर्फ यहाँ पे एज अ डेमो पर्पस रखा है। ठीक है, द मेन थिंग इज हियर इज योर क्लाइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपके अगर कोई भी URL है, अगर आप .env से रीड कर रहे हो तो आप उसको होस्ट में रीड करो, या फिर आपकी कोई स्पेसिफिक डेटाबेसिस हैं जो आपको मालूम है कि ये यूज़ में आने ही आने हैं तो आप उसको यहाँ पे हार्ड कोड करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो मैंने यहाँ पे अपना डेटाबेस सेट कर लिया, सेट करने से हो गया मेरा यहाँ पे मेंबर फंक्शन किसका है, ये कनेक्शन का है, तो मैं अपने इस फंक्शन को कॉल करा सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, राइट। सिमिलरली मैंने तुम्हें बोला था कि जब भी हम मोंगो को क्रिएट करते हैं, उसका कनेक्शन जब भी बनाते हैं, देन इट्स वेरी मैंडेटरी कि तुम्हें अपना कनेक्शन क्लोज करना होता है। ठीक है, तो मैंने अपने यहाँ पे एक और मेंबर फंक्शन बना लिया जो बेसिकली मेरे क्लाइंट को क्लोज कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे हैंडलर पे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो हमने बेसिकली यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर बनाया जो बेसिकली मेरे क्लाइंट को सेट कर देगा और इनिशियल लेवल पे मेरा डीबी और होस्ट का डेफिनेशन क्रिएट कर देगा, काइंड ऑफ एक वेरिएबल बना के रख देगा। ओके, सिमिलरली मेरा डीबी का मेंबर फंक्शन है जो मुझे डीबी रिटर्न करके दे देगा और मैं अपने कनेक्शन को क्लोज भी कर रहा हूँ। ओके, नाउ लेट्स गो टू हैंडलर। अब यहाँ पे देखो मैंने मेरे हैंडलर में सबसे पहले चीज़ क्या की है, मैंने मेरा कनेक्शन का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, राइट। तो अब मेरे को यहाँ पे सेल्फ डॉट कनेक्शन का पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, इसका इंस्टेंस मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इस इंस्टेंस के थ्रू मैं पता कर सकता हूँ कि इसका डीबी नेम क्या है, राइट। तो मैंने अपना डीबी लेके डीबी में ले लिया। अगर आप लोगों को क्लाइंट रिक्वायर्ड हो तो आप क्लाइंट भी ले सकते हो वेरिएबल में, राइट। अब ये जो चीज़ें हैं, दिस इज माई मेंबर फंक्शंस। ठीक है, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट इससे पहले मैं आपको एक पोस्टमैन के साथ एक डेमो भी दे देता हूँ, देन आई कैन टेल यू बेटर। ओके, लेट्स गो टू ऐप डॉट पाई अगेन। तो गाइज अभी देखो, अभी हमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं, राइट, आई वी डोंट नीड दिस। ठीक है, मैंने इसको कर लिया अनकमेंट। अब देखो यहाँ पे मैंने अपने हैंडलर को इंपोर्ट किया, ठीक है, दिस इज माई क्लास। ओके, अब तुम देखो तो मैंने हैंडलर का कंस्ट्रक्टर बनाया, तो हैंडलर का यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल तैयार हो गया मेरा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बना लिया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा एक मेंबर फंक्शन है वैलिडेशन। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक दूसरा राउट लिखा है, आप देख सकते हो इंसर्ट, तो हम इसमें भी ये हैंडलर अभी अनकमेंट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी आप देखोगे तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, सिंपल मेरा जो डेटा मुझे मिला है रीड किया है, मैंने अपने हैंडलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और मैंने उसमें से जो मेथड है मेरा इंसर्ट यूज़र, मैंने उसको कॉल करा दिया है। ठीक है, और ये इंसर्ट यूज़र मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, तो बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो माई यूटिलिटी फंक्शन, आई कैन से दैट, जो मेरा हेल्पर फंक्शन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो जो भी मुझे फ्रंट एंड से डेटा मिला मैंने उनको वेरिएबल्स में रीड किया, मैंने मेरा डीबी का कनेक्शन क्रिएट किया और जैसा कि सेल्फ डॉट कनेक्शन तुम देख सकते हो मैंने अपने यहाँ कंस्ट्रक्टर में लेके रखा है, तो यहाँ से मैंने उसका डीबी का भी फंक्शन कॉल करा लिया, मेंबर फंक्शन है ये, तो ये मैंने लिया और मेरा डीबी का ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके, वंस आई एम डन विद ऑल दोस थिंग्स, मैंने हमारे रिजल्ट के वेरिएबल को लिया और उसको हमने डीबी में डंप करा दिया। ठीक है, अब हम इसको एक बार पोस्टमैन के थ्रू समझते हैं, देन मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो गाइज लेट्स रन द कोड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। ठीक है, चलते हैं पोस्टमैन पे। अब हम चलते हैं सबसे पहले इंसर्ट डेटा। ठीक है, बिफोर आई एम गोइंग टू इंसर्ट द डेटा आई विल शो यू कि मेरे मोंगो में फिलहाल कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अप एरो यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो मेरा यहाँ पे डीबी पूरा क्लीन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स रन द पोस्टमैन। अब देखो मैंने पोस्टमैन में इनपुट क्या दिया है, तो मैंने उसको बोला है कि भाई सुन, मेरे को फ्रंट एंड से ये रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, यूज़र नेम, पासवर्ड, नंबर, पिन कोड, ये पैरामीटर्स मुझे फ्रंट एंड ने भेजे हैं जो बेसिकली मुझे अपने डीबी में इंसर्ट करने, करेक्ट। सो लेट्स रन दिस। तो गाइज यू कैन सी इसने मुझे बोल दिया डेटा इंसर्टेड, बट क्या सच में इंसर्ट हुआ है डेटा, लेट्स सी। हम यहाँ पे आते हैं अप एरो एंड यू गाइज कैन सी यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और अच्छा कर देता हूँ गाइज, आप लोगों को सही से दिखे। ठीक है, अब आप देख सकते हो काफ़ी सही दिख रहा है। तो आप देखो यहाँ पे यूज़र नेम पाइथन है जो कि हमने यहाँ पे भेजा था, पासवर्ड 000, नंबर इज 9090 एंड देन पिन कोड इज 9091। ठीक है, तो मतलब डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब बिहाइंड द सीन हुआ क्या, दैट आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेन यू नाउ।
तो अब देखो हमने app डॉट पाई में आके अपने इस इंसर्ट के राउट को कॉल दिया, ठीक है। डेटा में मुझे फ्रंट एंड से जो भी चाहिए थी वो मुझे मिल गया, जो भी डिक्शनरी मैंने पास की, राइट। हैंडलर से मैंने मेरे हैंडलर को ऑब्जेक्ट बना दिया, ओके। यहाँ पे जो चीज़ हुई इंसर्ट यूज़र, ये मेरा मेन काम कर रहा है, ठीक है। तो इंसर्ट यूज़र मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंसर्ट यूज़र में बेसिकली हुआ क्या, जो हमने डेटा दिया था हमने वापस यहाँ पे रीड कर लिया, जो जो हमें पैरामीटर्स दिए थे, और ये पैरामीटर्स हमें कहाँ से मिले थे, ये पैरामीटर्स हमने यहाँ से भेजे हैं। देखो यूज़र नेम, पासवर्ड, नंबर, पिन कोड, ठीक है। तो मैं ऐप डॉट पाई में अब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सीधा मेरे हैंडलर में कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से ले ली। लेने के बाद मैंने अपना DB का कनेक्शन क्रिएट कर लिया, देन मैंने अपनी एक डिक्शनरी बना दी जो मेरे को डंप करनी है, और इस फॉर्मेट में वो DB में डंप होना चाहिए, इसलिए मैंने यूज़र नेम, पासवर्ड, नंबर और पिन कोड एज अ की रखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट में चीज़ें डाल दी है, ताकि अगर मेरा सक्सेसफुल इंसर्शन होगा, कोई एरर नहीं आएगा, तो इट विल बी गिव मी दिस मैसेज ड्यू टू सम रीज़न। अगर किसी भी रीज़न की वजह से अगर इशू आ जाता है कोड को इंसर्ट करने से पहले, देन इट विल गिव मी दिस मैसेज, ओके। तो देखो अब ये डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। अब हमारे पास जेसन में कुछ और भी डेटा है, हम इसको भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो लेट्स हैव दिस गाइस, अब मैं इसको भी एक बार आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये भी इंसर्ट हो गया है। अब चाहिए तो मैं आपको एक बार फिर से रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है, और देखोगे तो यहाँ पे माइक आ चुका है। मीन्स हमारा इंसर्ट का राउट प्रॉपरली काम कर रहा है। नाउ लेट्स चेक द लॉगिन, कि हमारा लॉगिन सही से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हमने अभी दूसरा जो राउट लिखा है वो लॉगिन का लिखा है, तो हम लॉगिन के राउट पर चलते हैं। दिस इज माय लॉगिन राउट, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज चेंज कर लेते हैं गाइस, ओके, लेट्स रन। यू गाइस कैन सी इट इज सेइंग कि यूजर एग्जिस्ट, ये यूजर हमारे पास है, क्योंकि हमारे DB में ये डेटा आ चुका है। तो अब बेसिकली अगर मैं इसका भी राउट आपको समझाना चाहूँ तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इंसर्ट के टाइम पे हमने यहाँ पे जो डेटा फ्रंट एंड से लिया था, तो ये चीज़ भी चाहिए तो मैं हैंडलर में कर सकता हूँ, बट मैंने लॉगिन के लिए अभी भी ऐसा ही रखा है, ताकि आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि हम ये चीज़ हैंडलर में भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इंसर्ट वाले में दिखाया। तो आप लॉगिन के टाइम पे भी ये डेटा सीधा भेज सकते हो, और तुम्हारे हैंडलर में जाके तुम सिमिलरली इस वे में डेटा को रीड कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती गाइस, तुम्हारा कोड बहुत क्लीन दिखता है और काफ़ी ऑप्टिमाइज भी हो जाता है और स्केलेबल भी हो जाता है। ये तुम्हें कल को और भी ज़्यादा फंक्शंस ऐड करने पड़े तो तुम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, ओके। तो अब देखो ऐप डॉट पाई में हुआ क्या, यहाँ पे हमें फ्रंट एंड से जो भी डेटा आया, हमने यूज़र नेम लिया, पासवर्ड लिया, देन अगेन मैंने अपना हैंडलर को ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। बनाने के बाद मैंने उसके वैलिडेशन के फंक्शन को कॉल करा दिया, और अकॉर्डिंगली इसने वैलिडेट करके जो भी प्रॉपर आउटपुट था उसने मुझे दे दिया, ठीक है गाइस। तो देखो हैंडलर और ये कनेक्शन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें फ्यूचर में बहुत काम आ सकती है, क्योंकि ये थोड़ा स्केलेबल लेवल पर काम करता है गाइस। अगर आप लोगों को कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करना है, या फिर आप सोच रहे हो कि ये मेरा प्रोजेक्ट आके जाके स्केल होना चाहिए, तो प्लीज़ यूज़ दिस वे, ओके। अलग अलग अपनी पाइथन फाइल्स बनाओ, उसमें अपने हिसाब से जो भी मैनिपुलेशंस करना है आप करो, सो डैट आप इसको आगे मॉडलराइज करके फ्यूचर में स्केल कर सको, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी गाइस। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ओके। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।